दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि आपका पार्टनर आपसे बातें नहीं करता, आपका झगड़ा हो गया है, आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय से आप आसानी से अपने रूठे प्यार को मना सकते हैं, आप उसे अपना बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, जैसे आप घर बैठे इस उपाय को कर सकते हैं और आसानी से अपने प्यार को पा सकते हैं, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस आसान से उपाय के बारे में, जैसे आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 तुलसी के पत्ते आपको लेना है और थोड़ी मात्रा में सिंदूर ले लें, और फिर सिंदूर को दोनों पत्तों पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख देना है। इसके बाद फिर तांबे के गिलास में पानी भर लेना है। तुलसी के पत्तों को सिंदूर सहित पानी में रख देना है। तुलसी के पत्तों को सिंदूर सहित पानी में रख दें। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना नाम और अपने प्यार का नाम लेते रहना है और इष्ट देवता का ध्यान आपको करना है। इष्ट देवता को याद करके उस पानी में 7 बार फूंक मार देना है। फिर इस पानी को 24 घंटे के लिए भंडार गृह में रख देना है। इसके बाद तुलसी के पत्तों को एक लाल कपड़े पर रख लें। इस कपड़े में गांठ बांधकर आपको अपने पार्टनर या प्यार के छत पर फेंक देना है। दोस्तों, बस आपको इतना ही करना है, इतना करते ही उपाय हो जाएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को एक बार अवश्य करें, जिससे आप अपने रूठे प्यार को मना सकते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को एक बार अवश्य करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।